वृंदावन चौंद भजो राधे श्री राधे दीन दयाल भजो राधे श्री राधे कृष्ण कृपाल भजो राधे श्री राधे करुणा सिंधु भजो राधे श्री राधे दीनों के बंधु भजो राधे श्री राधे परम उदार भजो राधे श्री राधे भानु दुलार भजो राधे श्री राधे कीर्ति कुमार भजो राधे श्री राधे ब्रज रखवार भजो राधे श्री राधे अति रिझवार भजो राधे श्री राधे भोरी सरकार भजो राधे श्री राधे जनपालनी भजो राधे श्री राधे ब्रजपालनी भजो राधे श्री राधे वृंदावन चौंद भजो राधे श्री राधे
पानी। बस थोड़ा सुखदेव जी वन में भाग गए थे ब्रह्म भाव में लीन होने के कारण। व्यास जी ने कहा ठीक है, प्रायण मुनियो राजन निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यंता रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। नैर्गुण्य गुणातीत अवस्था होने के बाद भी भगवान के मधुर लीलाओं को और गुणों को विधि निषेध से परे हो जाने के बाद भी लोग गाया करते हैं। तुम ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए हो, लेकिन जैसे बीए एमए कर लिया, पीएचडी का कोर्स बाकी है। वैसे अभी तुमने ब्रह्म भाव प्राप्त किया, भगवान का मधुर भाव, सो जाने कर फल यह लीला, कहाँ महा मुनिवर दम सीला। उत्तरकांड में ऋषियों ने ये बात कहा है, यह महिमा खगेश जिन जानी, भगवान का वैभव ऐश्वर्य जानने के बाद भी पुनि यही चरित इतिनहु रतिमानी। फिर भगवान के इस चरित्र को वो गाने आते हैं, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पाषाण। बयालीस उत्तरकांड। तो इसलिए उन्होंने भगवान के रूप माधुरी का एक श्लोक जो हमने कल सुनाया था, वो सिखा दिया था कि जब कुंभ को डर लगे तब इसको गाना, इससे सब भय चला जाएगा।
तो वो व्यास जी के शिष्य लोग जंगल में गुरु के वचनों पर विश्वास करके जहां कोई भय आता था, शेर, चीता, व्याघ्र, सर्प, अजगर, तमाम भय के जीव वन में घूमते हैं, तो वो उन श्लोकों को कहने लग जाते थे और भय दूर हो जाता था। भगवान के गुणगान में, नाम में ऐसी शक्ति है, कोई भी संसार की बाधा नहीं आ सकती। लोग डरते हैं लेकिन ये नहीं जानते। नारद जी ने कहा था महात्म्य में, भक्ति देवी से कहा था, न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सुरोपी वा। महात्म्य दूसरा अध्याय 16-17 श्लोक। अरे भाई, जिसके चित्त में भक्ति है, प्रेम रूपा भक्ति, उनके पास तो यमराज भी नहीं आ सकता, सपने में भी नहीं आ सकता। येषां चित्ते वसेत भक्तिः सर्वदा प्रेम रूपिणी नते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्ने प्यर्मल मूर्तयः। जब यमराज ही नहीं आ सकते तो प्रेत, पिशाच, राक्षस, असुर, भक्तियुक्त मनस्का नाम स्पर्शने न प्रभुर भवेद। भक्ति वालों को छू नहीं सकते, न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सुरोपी वा। भक्तियुक्त मनस्का नाम स्पर्शने न प्रभुर भवेद। तो लेकिन जीव का धर्म है, आदत है डरने की, चिंता करने की, वो जीव धर्म इसी को कहते हैं। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमिति अभिमाना। जीव धर्म में विषाद, उदास हो जाना, भयभीत हो जाना, प्रसन्न हो जाना, ये जीवों के अंदर लगा रहता है, अनादिकाल से चल रहा है। तो वो इन श्लोकों को गाते थे और व्यास जी जानते थे कि शुद्ध अंतःकरण का व्यक्ति एक बार भी भगवान का यश सुन लेगा, एक बार में उसका कल्याण हो जाएगा। नामैकम यस्य वाचि स्मरणपथगतम श्रोत्रमूलम गतम वा शुद्धम वा शुद्धवर्णम
व्यवहित रहितम तार्यत्येव सत्यम। चाहे वो नाम सुन ले या स्मरण कर ले, भगवान का नाम उसका अवश्य उद्धार कर देता है, लेकिन वो तच्चेत देह द्रविण जनता लोभ पाखंडम मध्ये निक्षिप्तम स्यात् न फल जनकम शीघ्र में वात्र तत्र। यदि किसी और लक्ष्य से नाम लिया गया है, देह के सुख के लिए, द्रविड़ पैसे के लिए, जनता लोगों में नाम हो जाए, इज्जत बन जाए, लोभ के लिए, पाखंड दिखाने के लिए, तो उस नाम का फल देर में मिलता है। यानी हम लोग नाम को नामाभास बना देते हैं। लड्डू पेड़ा या अन्य भोग आदि के लिए नाम को लेते हैं, इसलिए सही फल बहुत जल्दी नहीं मिलता है। इन चीजों से छूट करके भगवान का नाम लें, एक नाम ही काफी है। लेकिन ये सब चीजें, दिखावा, पाखंड, लोभ, भोग, लालसा, ये सब नाम को नामाभास बना देते हैं। सुखदेव जी तो निर्मल मन था, उनके मन में कृष्ण को रूप, जो हमने कल कहा था, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशम वैजयंतीम चिमालाम रंध्रान वेणोरधर सुधया पूर्यन गोप वृंदैर वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। बंशी बजाते हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, ये उन्होंने सुना। रूप उनके हृदय में आ गया, आ मुरलिया बाजी जमुना तीर, बाजी रे बाजी बाजी मुरलिया बाजी जमुना तीर, निर्मल मन हो जाए तो अभी बंशी सुनाई पड़ने लग जाएगी, क्योंकि राधा कुंड कृष्ण कुंड गिरी गोवर्धन मधुर मधुर वंशी बाजे शही तो वृंदावन।
दिन रात जहां बंशी सुनाई पड़ती है वही वृंदावन है। मुरलिया बाजी जमुना तीरे, ऐसी बजाई नंद झुके लाला, ऐसी बजाई नंद झुके लाला, चितनाए रहो मेरे धीर मुरलिया, चितनाए रहो मेरे धीर मुरलिया, बाजीरी बाजी जमुना तीर मुरलिया, कारो कन्हैया करी कमरिया, कारो कन्हैया करी कमरिया, कारो जमुना नीर मुरलिया, कारो जमुना नीर मुरलिया, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल पर सीर मुरलिया, मुरलिया बाजीरी बाजी जमुना ती मुरलिया, रंध्रान वेणो रधर सुदया पूर्यन गोप वृंदैर वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद गीति कीर्ति। प्रवेश कर गए वृंदावन में, बंशी बज रही है, उधर बंशी बजी, उधर सुखदेव के हृदय में भी बंशी बज गई क्योंकि निर्मल मन था, ब्रह्म भाव गंदे हृदय में नहीं आता है। भगवान ने कहा युंजन एवं सदात्मात्मम योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। छठवें अध्याय में भगवान ने कहा है 28वें श्लोक में, सुखेन बिना मेहनत के ब्रह्म संस्पर्श तुमको मिल जाएगा। संस्पर्श भगवान छुएंगे तुमको, आँखों से देखोगे, खेलेंगे, सत्यम ज्ञानम अनंतम यो वेद निहितम गुहायाम। सोश्नुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता। वो ब्रह्म के साथ खेलता है, खाता है,
अब प्रश्न है, कोई है तो बड़ा सुंदर, लेकिन अगर हृदय कठोर है तो क्या फायदा, तुमसे बोलेगा नहीं, तुम्हारे किस काम का है। तो दूसरा श्लोक रटाया उन्होंने, वो जितना सुंदर है उससे ज्यादा कोमल है, कठोरता तो है ही नहीं वहां। सब चीज मीठा है, अधरं मधुरं बदनौ मधुरौ, उसका ओठ मीठा, उसका मुंह मीठा, अधरौ मधुरौ बदनौ मधुरौ, नयनम मधुरम हसितौ मधुरौ, आंख सुंदर है लेकिन हृदय सुंदर है कि नहीं है। बोले हृदय तो इतना मीठा है, हृदयौ मधुरम गमनौ मधुरौ, मधुराधिपते रखिलौ मधुरौ, मधुराधिपते रखिलौ मधुरौ, उसकी वाणी बड़ी मीठी है, ऐसा मीठा बोलता है, किसने सिखाया शाम तुमको मीठा बोलना, बचनऊ मधुरऊ वसनऊ मधुरऊ, बचन वसनौ मधुरम वलितौ मधुरौ, वलितौ वसनौ मधुरम वलितौ मधुरौ, चलितम मरुरम भ्रमितौ मधुरौ, मधुराधिपते रखिलौ मधुरौ, मधुराधिपते रखिलौ मधुरौ, तो उसका हृदय बहुत मीठा है, इतना मीठा है कि गोपियां कहती हैं मधुरिया गिरा वल्गु वाक्या, मीठा बोलना तो केवल कृष्ण ही जानते हैं। तीन बातें होती हैं तब मीठा बोलना आता है, एक तो गिरा वाणी आवाज मीठी हो, ऐसा नहीं भौंपासुर हो,
कुछ लोगों का स्वर इतना कड़ा होता है कि मीठा भी बोलेंगे तो आदमी डर जाएगा। मथुरिया गिरा बल्ग वाक्या, शब्द भी मीठे होने चाहिए। तुम अपनी माताजी के पास जाओ, माताजी कहोगे, माता परमेश्वरी खुश हो जाएगी। मीठा शब्द है। और जाकर के ए मेरे बाप की लुगाई, तो माँ भी बिगड़ जाएगी। क्या बोलता है? वल्ग वाक्य नहीं है, वाक्य मीठा नहीं है। है तो बात सही है, लेकिन शब्द कड़ा है। पिताजी के पास जाओ, पिताश्री कहोगे, खुश हो जाएंगे। और कहो ए मेरी मैया के खसम, तो वो खुश नहीं होगी, क्योंकि वल्ग वाक्य नहीं है। तो वल्ग वाक्य शब्द भी मीठा चाहिए। बुध मनोज्ञा भाव भी मीठा चाहिए। कोई तुम्हारे घर में आया और गरीब आदमी है, और तुमने कहा आओ आओ सेठ जी, ये व्यंग वचन है। कोई महामूर्ख है, उसे कह रहे आओ आओ पंडित राज, तो बुध मनोज्ञ भाव मीठा नहीं है। तो श्री कृष्ण की वाणी में एक तो स्वर मीठा है, शब्द मीठा बोलते हैं, भाव मीठा। तो इसलिए दूसरा श्लोक जो था उसी बात को बताता है। पहला श्लोक सुन करके तो कृष्ण को रूप हृदय में आ गया। बंशी बजा रहे हैं, गा रहे हैं, ग्वाल बाल नाच रहे हैं। प्राविशद गीत कीर्ति, लेकिन अब उतने में भगवान की इच्छा से शेर गरजा। तो शिष्य लोग बोले अरे भाई गरज रहा है शेर। तो लड़के बोले अरे भाई दूसरा मंत्र बोलो, दूसरा मंत्र बोलो, गुरुजी ने जो कहा था तो वो डर चला जाएगा। तो बोलो बोलो, सब लोग बोलने लग गए दूसरा श्लोक। अहो बकीयम, ये तीसरे स्कंद में ये श्लोक आता है। पहले अध्याय में आता है और इसको विदुर जी ने कहा है। दूसरा अध्याय, तीसरा स्कंद, दूसरा अध्याय, 23वां श्लोक। ये संसार का बड़ा नामी श्लोक है, भगवान की दयालुता। अहो, अहो मने आश्चर्य है, बकी मने पूतना, पूतना गई थी
कृष्ण को मारने के लिए कालकूट विष स्तन में लगा करके गई थी। अहो बकी यम स्तन कालकूटम, यम ने जिस कृष्ण को छोटे से 6 दिन के कन्हैया हैं अंगूठा चूस रहे हैं, बहुत छोटा सा काना है, मारने के लिए गई थी, कालकूट विष लगा करके स्तनों में बड़ा सुंदर रूप बना कर गई थी। गोकुल वालों ने समझा लक्ष्मी जी आई हैं अपने पति को देखने। और कृष्ण को उठा लिया, जिघांसया पायया दप्य साध्वी, वो विष भरा स्तन उस बच्चे के मुंह में ठूंस दिया, ले इसको पी ले। तेईसवां श्लोक है, तीसरे स्कंद का दूसरा अध्याय। जिघांसया मारने की इच्छा से पायद पिला दिया, असाध्वी दुष्ट थी। अरे कृष्ण को तो मीठा माखन मिश्री भोग खिलाना चाहिए, कालकूट पिला रही है, उससे ज्यादा नीच कौन होगी। लेकिन उससे ज्यादा नीच कोई नहीं है और कृष्ण से ज्यादा दयालु कोई नहीं है। कृष्ण ने स्तनों को पिया और उसको लेभे गत्यु धातृचुताम ततोन्यम। धात्री माने पालन पोषण करने वाली माता की गति दिया उसको, उसी समय विमान आ गया था और विमान पर चढ़ करके उसी दे भगवान के धाम चली गई। ऐसी दया आज तक कभी किसी पर दिखाई नहीं पड़ी। लेभे गत्यु धातृच्युताम ततोन्यम, हत्या करने आई थी और उसको मां की गति दिया। धातृच्युताम माता की गति, कम्वा दयालु शरणम ब्रजेम, इससे ज्यादा दयालु कौन है। अरिपूतना को तवरन हारो, ऐसो और कौन दयावारो। ऐसो और कौन दयावार, ऐसो और कौन दयावार। अरिपूतना को तारन हरो, ऐसो और कौन दयावार। जिसने हत्यारिन को माता की गति दिया,
ऐसा कौन है दयालु, कम वा दयालु बाल घातिनी चली पूतना गोकुल सुंदर रूप धरे बाल। इतना सुंदर रूप बनाया था, गोकुल वालों ने कहा ये तो लक्ष्मी जी हैं, अपने पति कृष्ण को देखने आई हैं। इतनी सुंदर कि यशोदा मोहित हो गई और अरे तू कौन है। बोले यशोदा रानी मैं तुम्हारे लाला देखने आई हूं। ले बिना कहे लाला को दे दिया। ये उनका नाम है यशोदा, यश देने वाली हैं। बाल घातिनी चली पूतना गोकुल सुंदर रूप धरे। ले लियो श्याम ले लियो गोद श्याम, छह दिन को नील कमल रस गंध भरे। ले लियो गो श्याम छह दिन को नील कमल रस गंध। ऐसे समझो जैसे नीला कमल सुगंधी श्याम सुंदर के अंग में सुगंध आती रहती है। ले लियो गोद श्याम छह दिन को नील कमल रस गंध भरे। ले लियो बड़ी ऊपर से सुंदर है लेकिन हत्यारिन है, जिघांसा। सुखदेव जी कहते हैं हत्या का विचार मन में भरा हुआ है। कालकूट विष लग्यो स्तनन में, कालकूट विष लग्यो स्तनन में लाला के मुख डार्यो। आर 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 लाला ऐसो और कौन दयावार। अरे पूतना जो श्याम सुंदर ने उसके स्तनों को पिया और दूध के साथ उसके प्राणों को भी खींच लिया। क्यों कि और ये जिएगी तो जाने कितने बच्चों को जहर पिलाएगी, इसलिए हमने दया कर दिया तुझको माता की गति दे दिया, लेकिन तू यहां से जा। पियो दूध प्राण के संग हरि और नमारे शिशु ब्रज में। पियो दूध और न मारे शिशु ब्रज में, हत्यारिन को मात बनाई भोरो श्याम दयालन में। हत्यार हत्यारिन को मात बनाई भोरो श्याम दयालन में।
कम्वा दयालुम शरणम ब्रजेम, ऐसा दया वाला कोई नहीं है। इन्हें छोड़ कहां जाएं शरण, जो ऐसो ब्रज रखवारो। आरारार ऐसो ब्रज रखवारो, ऐसो कौन दयोन दया। कम्वा दयालुम शरणम ब्रजेम, ऐसा कोई दयालु नहीं है। असुरों को भगवान ने अपने पिछले अवतारों में तारा है, लेकिन माता की गति नहीं दिया किसी को। ये कृष्णावतार का रिकॉर्ड है। इन्हें छोड़ कहां जाएं शरण, जो ऐसो ब्रज रखवारो। आरार यहाँ एक श्लोक आता है और 23वें के नीचे 24वां, तीसरे स्कंद में दूसरे अध्याय में। अरे भाई ये मत समझना पूतना हत्यारिन थी, राक्षसी थी। वो कहते हैं मन्ये सुरान भागवतांस्त्रधीशे संदर्भ मार्गाभिनिविष्ट चित्तान, ये असंग ये संयोगे अचक्षत तार्क पुत्रम अंसे सुनाभायुधमापतम तम। ये सब परम भक्त थे, इनको परम भक्त समझ लो, पूतना को हत्यारिन मत समझो। जब भगवान ने जिसको मां की गति दिया, ये श्लोक बड़ा कीमती है। और जो आजकल हम जैसे मॉडर्न रसिक हैं, जिनका रस जरा में ही खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, वो उनके लिए है कि ये असुर परम भक्त थे। इनमें असुरों का भाव मत करो। रसिक तो सब जगह रस ढूंढ लेता है, वहां भी रस ढूंढो। मन्यो सुरान भागवतांस्त्रधीशे, ये परम भागवत हैं, किसी तरह से भगवान में मन लग जाए। संदम्भ मार्गाभिनिविष्ट चेतान, क्रोध मार्ग से इन्होंने भगवान में मन लगाया लगाया। हमारा तो प्रेम मार्ग से भी नहीं लग रहा है, इनका क्रोध मार्ग से लग गया, लग तो गया। इन्होंने युद्ध में देखा तार्क्ष पुत्र गरुड़ के ऊपर भगवान चढ़े आ रहे हैं, इनको दर्शन मिला, इसलिए इनको असुर नहीं मानो। देखो महारास में सारे असुरों की लीला गोपियां ने अनुकरण में किया है। काचित पूतनायंत्या, कोई तो पूतना बनी, कृष्णायंत्यपि वत्सदनम, कोई कृष्ण बन के वो पूतना जो बन गई थी उसके स्तनों को पीने लग गई। क
काचित् पूतनायन्त्या कृष्णायन्त्यपिबस्तनम् दैत्यायित्वा जहारण्याम् एका कृष्णार्भभावनाम्। कोई तृणावर्त बन करके और जैसे कृष्ण को उठा के तृणावर्त आंधी के रूप बना के आया था आकाश में ले गया, वैसे दूसरी गोपी को कृष्ण समझ करके आकाश में उठाने लग गई और बोली देख मैं तृणावर्त हूं। बोले क्यों? ये भगवान के प्रेम में सब मीठा बन गया। देखो हम लोग छोटे छोटे थे तो दिवाली में चीनी के खिलौने मिठाइयाँ खरीदने जाते थे और वहाँ चीनी का हाथी, चीनी का घोड़ा, चीनी का सब जानवर मिठाई के बनते हैं। तो हम लोग हंसते थे, तुम क्या खाओगे? हम हाथी खाएंगे। तुम क्या खाओगे? घोड़ा खाएंगे। गधा गधा तो नहीं खूब बनाता लेकिन हाथी घोड़ा बनाते हैं लोग, और वो सब खाते थे, बड़ा मीठा लगता था। चीनी का हाथी, अरे तुम भी खा जाओगे? चीनी का घोड़ा रख दें, तुम भी खा जाओगे? चीनी का बतख, तुम भी खा जाओगे? चिड़िया, तुम भी खा जाओगे? तो वैसे ही गोपियों ने प्रेम भरी दृष्टि से देखा तो यह श्लोक प्रमाण है। सच्ची रसिक थी। मन्ये सुरान भागवतान श्रद्धीशे, असुरों को परम भक्त समझा उन्होंने। मीठा पूतना भी उनको मीठी लग गई। काचित पूतनायंत्या कृष्णायंत्य बिबस्नम दैत्यायित्वा जहारान्याम एका कृष्णार्भिभावनान। जितने असुर सब बने गोपियां, दैत्यायित्वा तृणावर्त बन गईं और कृष्ण को उठा करके ले जाने लग गई। ये लीला उन्होंने रास पंचाध्यायी में दशम स्कंद के अध्याय 30 में 15 से लेके 22 श्लोक तक। तोकायित्वा रुदत्तन्या पदा हंचकटायितम्, एक शकटासुर बन गई और चढ़ करके छकड़े पर बोली अरे मैं तो शकटासुर हूं, दूसरी कृष्ण बन करके ठोकर मार रही है। छकड़े से शकटा को उलट दिया और समाप्त हो गई। बोली सब क्या है? लीला है। लीला में सब चीजें मीठी लगती हैं। रामलीला सबने देखा होगा, उसमें रावण आता है, राम बड़े जोर से बोलता है, चिल्लाता है, और राक्षस भी आते हैं काला कपड़ा, काला काला कपड़ा पहन करके, और रामादल के जो है वो लाल लाल बंदर का कपड़ा पहनते हैं, लाल पूंछ और लाल, और वहाँ लड़ते हैं स्टेज पर बड़े जोर से, गदा घुमाते हैं और फिर मर जाते हैं। तो जो राक्षस हैं उनको उठा उठा करके बंदर लोग कंधे पर टांग पकड़ करके और ले जाते हैं। तो वहाँ न कोई मरता है न कोई जीता है, लीला है, लीला मीठी है। लीला देखते चले जाओ, ये मत सोचो कि राक्षस है, ये मत सोचो कि ये मर गया है, अरे सब लीला हो रही है। तो वैसे यहाँ गोपियाँ सच्ची रसिक हैं, इनके हृदय में ये सब भेदभाव नहीं है, कौन असुर है क्या है। तो उन्होंने
दैत्यायुत्वा जहारान्याम एका कृष्णार्भ भावनाम रिंग्या मास काप्यंग्री कर्षंती घोष निस्वनये। एक जब मैया ने उखल में बांध दिया था तो उखल को खींचते खींचते जमलार्जुन पेड़ में से निकाला था, वो पेड़ गिर गए थे, एक रेंगने लग गई, उखल लीला करने लग गई और कृष्ण रामायते द्वेतु गोपायंत्यश्य काश्चन, एक कृष्ण बलराम बनकर के गैया चराने लग गई, कुछ गोपियां ग्वाल बाल बन गई हाथ में लठिया लेकर के और क्रीड़ा कर रही हैं। वसायतिम हंति चान्या तत्रैका तु बकायतिम, एक एक बकासुर बन गई, बगुला की तरह चोंच बना लिया, लीला है, और एक बछड़ा बन गई और बछड़े को खाने के लिए चल रही है, एक कृष्ण बन करके गैयाओं को बुला रही है। आहुई दऊ दुर्गा यदवत कृष्णस्तमनु कुर्वतीम, दूर है गैयाएं, अरे ओ कारी ओ काजर चलिया चलिया, वो रंभाती चली आ रही है, औ औ करती, आवाज सुन के बोल रही है कृष्ण जी, औ औ मने आई आई, ये सब कृष्ण की बोली जानती हैं। आहु दुर्गा यद्वत कृष्णस्तमनु कुर्वतीम, वेणुम कुणंतीम क्रीडंती मन्याह संसंती साध्विती, दूसरी जो है कहती वाह वाह, अरे तू तो एकदम कृष्ण बन गई, दौड़ दौड़ के बंशी बजाना बहुत कठिन है, बंशी वाला जो बंशी बजाता है तो जो जानते हैं वो कोमल स्वर निकालना है तो रे के जो छेद को आधा दाब दो तो कोमल हो जाएगा, अब पूरा दाब दो शुद्ध हो जाएगा। तो दौड़ते दौड़ते बंशी बजाना कितना कठिन है, जरा सा भी ज्यादा दब गया तो बेसुरा हो जाएगा, लेकिन कृष्ण में कमाल था, दौड़ के जैसे बंशी बजाते थे वैसे वो बंशी बजा रही थी। कस्यांचित स्वभुजम न्यस्य चलंत्याह परा ननु, एक गलबैया देख जा रही है और कह रही है कृष्णो हम, मैं कृष्ण हूं, मेरी चाल तो देख। कृष्णो हम पश्यत गतिम ललिताम इति तन्मना, उतने में लीला का आवेश आ रहा है, ये मतलब आवेश उनको आता है और लीलाएं उनको प्रत्यक्ष उनके ऊपर आ जाती हैं, इसको तन्मयता कहते हैं। एक को गिरिराज लीला की स्मृति आई, अरे देख वो प्रलय का पानी गिर रहा है, दौड़ो कृष्ण बचाओ, कृष्ण कृष्ण महाभाग, त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो, त्रातुम रहसी देवान्न कुपिताद भक्त वत्सल, अरे कृष्ण इब्रज तेरा ही है, तू इसको बचा। तो कृष्ण आते हैं, कहते हैं मां भईष्ट नहीं डरो, वात वर्षाभ्याम आंधी पानी से नहीं डरो, तत्राणम विहितम मया, मैंने रक्षा किया है। इत्युक्तैकेन हस्तेन, एक हाथ से अपनी चुनरी उठा करके, गिरिराज जैसे ऊपर उठ गया है ऐसे चुनरी उठा करके गिरिराज के भाव से गिरिराज उठा रही है, देख लो हमने गिरिराज उठा लिया, पर्वत डरो नहीं। मां भईष्ट वात वर्षाभ्याम तत्राणम विहितम मई, इत्युक्तैकेन हस्तेन यतंत्युन्न दधे वरम, एक को कालीदेव की लीला याद आई,
आरुयेक पदाक्रम शिरस्याह पराम नृप। और दूसरी गोपी के कंधे पर चढ़ गई और बोली, दुष्ट सर्प चला जा यहां से, ब्रज छोड़ दे, जातो हम खलानाम दंडधृग। एक ने दावानल लीला की याद आई, तत्रैको वाच हे गोपा दावाग्निम पश्यतोल्बणम। अरे ग्वाल बालो देखो, चारों ओर आग लग गई है। दूसरी बोली कृष्ण बन करके, बद्ध चक्षुंश्वा पिदद्वम वई, तुम सब आंख बंद करो और हम तुम्हारा संकट दूर करेंगे। आग बंद किया, सारा आग पी गया कृष्ण। एक को स्मृति आई, उलूखल में बांधा था यशोदा ने, बद्धा न्यास रजा काचित तन्वी तत्र लूखले। और कृष्ण बन गई दूसरी और डर करके देख रही है, मैया साटी लेकर के दिखा रही है, नहीं मानेगी, मैं मारूंगो। तो कृष्ण कहते हैं, मारे मत मैया बचन भरवा दे, मारे मत बचन भरवा दे, कॉल करवा दे, बचन मारे मत मैया बचन भरवा ले, भीता सुदृक् पिधाय अस्यम भेजे भीति विडंबनम। कृष्ण की तरह डर करके देख रही है, साटी न मार दे मैया। दूसरी गोपी साटी लेके दिखा रही है, मारूंगा, तैने माट मटका फोड़ दिए हमारे। तो इस तरह से कृष्ण की दयालुता को याद करके ये सारी लीलाएं वो कर रही हैं कि हमारा श्याम कितना दयालु है, हत्यारिन को भी माता की गति दिया। अहो बकियम स्तनकालकूटम जिघांसया पायादप्य साध्वी, लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंवा दयालुम शरणम ब्रज। इस श्लोक को सुनाया तो सुखदेव के मन में जो कृष्ण रूप था उसका गुण भी आ गया कि ये बड़ा सुंदर है और बड़ा दयालु भी है, इसी की शरण में चलो। बस वहां से भागे और अपने पिता के पास पहुँचे। बोले, पिताजी हंस गए ब्यास जी, समझ गए चिड़िया फंस गई। बोले, क्या है? आख्यानम यदधीतवान, आक्षिप्त चित्ता। बोले, उनके लीला सुनाओ हमको, जिनकी आपने बता रहे थे कि हत्यारिन को जिन्होंने अपनी माता की गति दिया, ऐसा सुंदर है, ऐसा गुणवान है। बोले, बैठ जा सुखदेव, बैठ जा, पूरा भागवत है 27,000 श्लोक। बोले, कुछ भी है, हरेर गुणाक्षिप्त मतिर भवान, भगवान के गुणों से मेरा मन खिंच गया है, अब तो मैं सारा भागवत पढ़ूंगा। राधे किशोरी दया करो।